नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई महाराष्ट्र की ताजा खबरें। सबसे पहले कोरोना अपडेट की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कहना है कि महाराष्ट्र में थर्ड वेव का पीक चला गया है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। आप सभी को बता दें, महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 27,971 मामले आए हैं, वहीं मरने वाले की संख्या 61 है। मुंबई की बात करें तो बीते 24 घंटे में 14 से 11 मामले आए हैं, 11 लोगों की मृत्यु हुई है। वहीं महाराष्ट्र में टेट परीक्षा में अंकों की धांधली के मामले में IAS अधिकारी सुशील खाडवेकर सहित 13 लोग गिरफ्तार। वहीं बॉलीवुड सिंगर लता मंगेशकर को वेंटिलेटर से हटाया गया, हालत में हुई मामूली सुधार। मुंबई के धरावी इलाके में बेहतर हुए हालात, कोरोना के एक भी केसेस नहीं मिले। महाराष्ट्र में भूमाफिया और अफसरों ने मिलकर लूट ली सैकड़ों करोड़ों की वक्फ की जमीनें, बोर्ड ने SIT जांच की मांग। वहीं पुणे में 1 फरवरी से स्कूल खुलेंगे, 15 से 18 वाले आयु के बच्चों को स्कूल में ही वैक्सीनेशन होगा। वहीं पुणे नासिक हाईवे की ट्रैफिक जाम की समस्या होगी दूर, निजी संस्था ने किया सर्वे। जल प्रदूषण फैलाने वाली 100 औद्योगिक इकाइयों पर ठोका 186 करोड़ का जुर्माना। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मुकदमे की सुनवाई 5 फरवरी से प्रतिदिन होगी, थाने की एक विशेष अदालत ने कहा। वहीं महाराष्ट्र में सड़क पर 4 किलोमीटर तक दौड़ता रहा द बर्निंग ट्रक, ड्राइवर को भनक तक नहीं लगी। जानकारी मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां पहुंची। मुंबई महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज भी कोई परिवर्तन नहीं। मुंबई लोकल ट्रेन में 2 डोज वाले को अनुमति दी जा रही है। आप देख रहे हैं SP अपडेट यूट्यूब चैनल। महाराष्ट्र मुंबई की सभी ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।